कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 एंड अभी मेरा टाइम है, आज मुझे भगवान जी को भोग बनाना है। तो सबसे पहले जो बर्तन है ना वो क्लीन कर लेती हूँ। मैदा ऐड कर रही हूँ, बनाना, दो बनाना, चीनी हल्का सा अंदाजा सा, ये सारे पैकेट्स न्यू है क्योंकि मैं हमेशा ये पैकेट्स यूज़ करके तब राशन निकालती हूँ। बस थोड़ा थोड़ा दूध देके इसको ग्राइंड करना है। सो पवन को जल्दी निकलना है लेकिन राशन कल आया था तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से भोग बना देती हूँ, भोग बना के भगवान जी को लगा देती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा डिले होते जाता है ना तो मुझे पैकेट्स यूज़ करने में भी परेशानी होती है। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि ये लगभग मैं 5 से 6 महीने से कर रही हूँ और इस हैबिट ने मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स एंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि पहले से चीज़ें और बेहतर हुई है। तो मेरे पास ना भगवान जी का एक साफ जो होता है कलछुल नहीं थी, तो मैं कटोरे की हेल्प से यहाँ पे जो है मालपुए टाइप का कुछ बना रही हूँ क्योंकि आज जल्दी जल्दी में मेरे दिमाग में यही आया। तो आपके भी मन में अगर कभी ऐसा आता है ना तो जरूर कभी कभी भी आपको जो अच्छा लगता है वो बना के आप भगवान जी को भोग लगाओ। तो आज बहुत देरी हो गई है, पवन आवाज लगा रहे हैं कि जल्दी से दे दे। मैंने यहाँ पे चक्री फूल, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और दो इलायची ली है, अब इसको अच्छे से मैं बांध दूंगी। चाय पत्ती, सोचा कि पूजा करने के पहले छोले को मैं बैठा देती हूँ ताकि छोले, जब तक मेरी पूजा हो छोले पक जाएं। तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है घर के कामों को। और मैंने हमेशा देखा है जिस दिन आपको ज़्यादा काम रहता है ना उस दिन पवन को जल्दी जाना रहता है, जिस दिन मेरे काम कम रहते हैं वो आराम से एकदम से निकलते हैं, बट जो जैसा है उसको टैकल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो भी मैंने भोग बनाया था मैं रेगुलर इसी तरह से पूजा करती हूँ। और ये एक बार एक कॉमेंट आया था कि आप क्या स्प्रे करते हो, इसमें गुलाब जल और इत्र को मैं मिक्स करके रखती हूँ कि भगवान जी को ये सुगंधित पदार्थ जो भी रहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने स्प्रे बॉटल में भर के रखती हूँ तो यूज़ करने में इजी होता है। तो अगर आप भी इत्र और गुलाब जल को यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हो। मैंने दो प्याज मोटा मोटा काट लिया है, लहसुन लिया है, अदरक और मिर्ची, इन सबका एक पेस्ट बनाना है। मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। और छोले बना रही हूँ तो ऑयल थोड़ा सा ज्यादा करके जीरा ऐड करना है, जो पेस्ट बनाया था वो। एक चम्मच से इतना सॉफ्ट ड्राई रोस्ट करना है, मतलब आंच पे आपको भूनना है। इसमें मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैं घिस के डालूंगी। दो टमाटर की प्यूरी, अब इसी स्टेज पे मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली और ये धनिया पाउडर। ये मैंने ब्लैक पेपर को थोड़ा सा क्रश कर लिया है, इसमें जाएगा ये 1 चम्मच इतना कसूरी मेथी था, इसको भी मैं कूट लूंगी। ये जो सॉफ्ट पाउडर है इसको भी इसमें डाल देना है। ये मैं ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हो, बट ब्लैक सॉल्ट का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। अभी देखो बहुत अच्छी तरीके से मसाले भून गए हैं और इसमें मैं एक कप के लगभग इतना पानी डाल रही हूँ। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इसी स्टेज पे थोड़े से चिक्पीज जो थे, जो छोले थे, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसको भी इसमें मिक्स कर दूंगी। तो 5 मिनट तक पकाना है, 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो छोले उबाल के मैंने रखे थे उसको इसमें मिक्स कर दूंगी एंड जो गरम मसाले की पोटली थी उसको मैंने निकाल दिया है। सो ये बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो गए हैं टेस्टी यम्मी छोले।
सो डेफिनेटली आप ट्राई करना, बहुत यम लग रहे हैं। तो खाने के बाद मैं आपको रिव्यू दूंगी कि कैसा बना है। आज इन लोगों की डिमांड पर मैंने बनाए छोले पूरी। छोले पूरी देखते ही अरु क्या बोल रहा है, मतलब सोच। अरु बोलो, अभी तो बोल रहा था, बोलो। मतलब ये सॉन्ग इसको इतना जल्दी क्लिक कर गया माइंड में। आइए, इसका इंतजार था, छोले पूरी का इंतजार था, छोले पूरी मिल गया फाइनली, है ना। और यहाँ पे मेरा खाना रखा हुआ है। सो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि छोले एग्जैक्टली बने कैसे हैं। मैंने बनाया इसलिए नहीं बोल रही हूँ, इट्स टू यम, सब कुछ बहुत परफेक्ट है, मस्ट ट्राई रेसिपी। किसी को फीवर आया हुआ था तो उसका टेस्ट करवाया था, तो वही मेरे हाथ में है प्रिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट कलेक्ट करने जा रही हूँ क्योंकि पवन तो चले गए काम पे। अभी लगभग दोपहर के बज रहे हैं 3, तो मुझे आना पड़ा क्योंकि घर पे कोई है नहीं। वैसे रियाज आ जाता घर के पास में था, बट उसकी मैम आई हुई थी तो वो नहीं आ पाया। तो चलो चलते हैं, रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं, रिपोर्ट कलेक्ट करके देखते हैं। एक्चुअली उसका डेंगू का हुआ था टेस्ट, क्योंकि प्रीवियस अगर आप मेरे पुराने फैमिली मेम्बर हो तो आपने देखा होगा कि उसे एक बार डेंगू हो गया था। तो इस बार जब फीवर आया तो डॉक्टर ने सडनली बोला कि नहीं, पहले डेंगू का टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट चलेगा, तो देखते हैं रिपोर्ट कैसा आया। और अरु अभी जा रहे हैं छत पे 10 मिनट के लिए वॉक करने। बहुत ही मतलब एंजाइटी से फील हो रही थी तो सोचा वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। हाँ नहीं अरु इधर बदमाशी नहीं करो, आते ही बदमाशियाँ शुरू हो गई हैं। इसके पहले आपने जो भी फुटेजेस देखी कि हम बाहर गए थे और बाहर से खाना लेके आए थे, इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी। एक्चुअली हम किसी से मिलने गए थे, मेरे घर में एक बैड न्यूज़ हुई है तो इसी के कारण उनके जो रिलेटिव रहते थे हम उनसे मिलने के लिए गए थे। तो बस ज़िंदगी लेकिन ख़त्म नहीं होती है, आपकी ज़िंदगी आपको जीनी पड़ती है। सो यहाँ पे मैं अरु को भी थोड़ा सा टिप्स दे रही हूँ कि वॉक करना कितना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बच्चों में हेल्दी हैबिट बिल्ड करने के लिए माँ बाप को बहुत बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ता है। एक्चुअली हमारे जो लैंडलॉर्ड है ना, छत जल्दी से कुछ इंसिडेंट हुआ था तो यूज़ करने नहीं देते हैं, बट अभी कुछ दिनों से छत खुला है तो उसका बेनिफिट हम उठा रहे हैं, थोड़ा वॉक कर रहे हैं क्योंकि वॉक हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ब्लॉग मैं कब से सोच रही हूँ कि अपलोड करूँगी बट किसी रीज़न से नहीं कर पा रही थी। कारण ये है कि संडे को, आज है फ्राइडे, मतलब 5 दिन पहले संडे को सुबह सुबह एक बहुत ही बुरी खबर आई, दादा ससुर गुजर गए, मतलब पवन के जो दादाजी थे वो नहीं रहे। एक्चुअली वो बहुत दिन से सफ़र कर रहे थे, इतना उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी एंड ऑफकोर्स उनकी एज भी हो चुकी थी, ही वॉज़ 85+, तो बहुत दिन से सफ़र कर रहे थे। तो उस दिन मंडे को मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, बट ऐसा हुआ कि सुबह में खबर आई कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है एंड उनके बेटे जो है, मतलब दादाजी के जो बेटे हैं वो कोलकाता में ही काम करते हैं, तो उस दिन वो जा नहीं पाए संडे को, क्योंकि ऑफकोर्स उस दिन उनकी डेथ हुई तो संडे को खबर आई, तो मंडे को वो लोग यहाँ से, संडे को रात को निकले तो मंडे को वो लोग पहुँचे। तो जो भी होता है, जो भी काम क्रिया वगैरह, तो वो मंडे को हुआ। तो मंडे से हम लोगों के यहाँ पे छुटका जिसको बोलते हैं कि लगा हुआ, देखो हर रिलीजियस में कुछ चीज़ें सिमिलर होती है, बहुत कुछ अलग होता है, तो छुटका जिसको बोलते हैं कि अभी हम लोगों का वो है। लिटरली कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब हमारे यहाँ बिहार से जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं तो उनको पता होगा कितना नियम कुछ होता है।
कंघी नहीं कर सकते हैं, हम ऑयलिंग नहीं कर सकते हैं, हम सरसों का तेल नहीं खा सकते, हल्दी नहीं खा सकते, बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिसको हम लोगों को मानना पड़ता है। एंड अभी मेरे हेयर इतने गंदे हो चुके हैं ना, इतने गंदे हो चुके हैं, बट जो भी है चीज़ें उसको आपको मानना पड़ेगा, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। देखो चीज़ें आपके ऊपर होती है कि आप मानना चाहते हो कि नहीं मानना चाहते हो, बट मैं, मुझे ऐसा लगता है कि हूँ तो मैं उसी फैमिली का हिस्सा, चाहे मैं दूर रहूँ या पास रहूँ। सो यही एक बैड न्यूज़ थी जो आप लोगों को देनी थी। एक तरफ से अच्छा हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रहे थे, मतलब एक होता ना, एक एज के बाद अगर आपकी तबीयत हेल्थ सही नहीं रहती है, एंड उनकी वाइफ भी बहुत पहले गुजर चुकी थी एंड वो भी बेड पे थे, तो लाइफ काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक्चुअली वेडनेसडे या थर्सडे को जो दसवां होता है, तो उस दिन शैम्पू करना होता है, घर पूरा क्लीन करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है यार, तो बस इसके कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। सो आज कोशिश कर, अरुण नहीं बेटा, आज कोशिश करूँगी, अभी मैं नीचे जाके चाय वाय बना के वीडियो अपलोड कर दूँ। ये वीडियो अगर नहीं हो पाई तो सुबह मैं पक्का चला जाएगा ये। तो आज का ब्लॉग इतना सा ही था, आज की कहानी इतनी सी ही थी, एंड मैं मिनी ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ कुछ दिनों से, थोड़ी सी इंस्पिरेशनल जो भी मुझे आती है, क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो वो मेरे मन के जो थॉट्स रहते हैं ना, मैंने सोचा कि मैं मिनी ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट करिएगा, आप अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो मिलती हूँ आपसे और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। अरु बाय बोलो, बाय। अरु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अरु को हो गया है फीवर, आज इसका ब्लड टेस्ट हुआ है। एक्चुअली इसकी तबीयत ठीक थी, बट दो दिन के बाद फिर से फीवर आ गया, तो आज डॉक्टर ने मलेरिया डेंगू दोनों का टेस्ट किया। एंड आज माँ बेटा ब्लू पहना हुआ है ना, लुकिंग सो प्रिटी यार, बहुत सुंदर लग रहा है। तो घर में रहते रहते ना ये खुला आसमान, ऐसा लगता है कि हम देखना भूल जाते हैं।